जिसमें कि आप देखोगे कई सारी कंट्रियों ने पार्टिसिपेट किया था जिसमें कि उन्होंने बातचीत की थी ये डिस्कशन किया था कि कैसे कैसे हम एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज जो हैं उसको कॉम्बैक्ट कर सके कैसे हम अपने एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड कर सके प्रोटेक्ट कर सके उसकी सुरक्षा कर सके इससे रिलेटेड उन्होंने कई सारे मेजर्स भी लिए थे कई सारे एक्शन प्लान्स भी बनाए थे कई सारे रिकमेंडेशंस जो थे वो भी हमें देखने को मिले थे जिसमें कि आप देखोगे कि पहली बार ऐसा वो मीटिंग कंडक्ट कराया गया था जिसमें कि पहली बार इंटरनेशनल लेवल पे इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को एड्रेस किया गया था लेकिन दोस्तों स्टॉक होम कॉन्फ्रेंस को पास करने के दस साल के बाद भी यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स के बीच में ये डिस्कशन हुआ कि जिस वजह से हमने स्टॉक कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया था जिसमें कि उतनी सारी जो बातें हुई थी कि कैसे इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड करें प्रोटेक्ट करें उसकी रक्षा करें कैसे इन्वायरमेंटल जो इश्यूज थे उसको कॉम्बैक्ट करने थे हमें लेकिन अभी भी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंच पाए हैं कि हम अपने इन्वायरमेंट को सेफ गार्ड कर पाए हैं या फिर उसकी जो सुरक्षा है हम नहीं कर पाए हैं क्योंकि अभी भी इन्वामेंट से जो, जो रिलेटेड इशूज़ हैं वो अराइज हुए देखते हुए हमें मिल रहे हैं और अभी भी वो हैं दोस्तों उसके बाद उन्होंने सोचा कि अब हमें दूसरा स्टेप लेना पड़ेगा और अब हमें दूसरा एक्शन जो है वो एनवायरमेंट को सेफ करने के लिए लेना पड़ेगा उसके बाद ही आप देखोगे ब्रुनलैंड कमीशन जो है वो आया आइए इसके बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं दिसंबर 1983 में दोस्तों यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल जेवियर पेरेस डे वो नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को कहते हैं कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कीजिए नॉर्वे के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थ्रो हार्लेम ग्रुनलैंड ठीक है इनका नाम जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे तो आप देखोगे कि इनको कहा इन्होंने कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करें जिसका कि मेन फोकस हो कि एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड सॉल्यूशंस ठीक है कि एनवायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज को कैसे कॉम्बैक्ट करें हम क्या क्या मेजर्स होने चाहिए ये होना चाहिए और डेवलपमेंटल जो प्रॉब्लम्स असेंबली के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया एक कमीशन जिसका कि नाम पड़ा वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवाइ एंड डेवलपमेंट जिसको कि हम ब्रूंटलैंड कमीशन भी बोलते हैं तो दोस्तों ये जो कमीशन फॉर्म हुआ ब्रुटलैंड कमीशन ये किसके नाम पे पड़ा आप देखोगे जो नॉर्वे के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नाम पे ये ब्रूंटलैंड कमीशन फॉर्म हुआ वहीं पे आप देखोगे कि ये जो ब्रूंटलैंड कमीशन था उसके जो चेयरमैन थे ग्रो हार्लेम ब्रोडलैंड खुद ही थे और उनके साथ साथ एक वाइस प्रेसिडेंट भी थे जो कि ये दो मेंबर उस कमीशन को लीड कर रहे थे, ठीक है फिर आप देखोगे कि ये जो रिजोल्यूशन पास किया गया जनरल असेंबली के द्वारा ये थर्टी एट का रेजोल्यूशन पास किया ठीक है तो ये कुछ उसके बैकग्राउंड के बारे में हो गई बात ठीक है दोस्तों में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट जिसको कि आपने देखा था नाइनटीन एटी थ्री में फॉर्म किया गया था उसने पब्लिश किया एक रिपोर्ट जिसका नाम था आवर कॉमन फ्यूचर ये रिपोर्ट जो है एक डॉक्यूमेंट के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा जिसको कि आप ब्रूं रिपोर्ट के नाम से भी जानते हो दोस्तों ये जो डॉक्यूमेंट है इसमें कई सारी बातें की गई हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड और साथ ही साथ डेवलपमेंट से रिलेटेड भी बात की गई है आप देखोगे ब्रूंटलैंड कमीशन पहला ऐसा कमीशन था जिसमें कि सबसे पहली बार बात की गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में उससे पहले दोस्तों किसी भी रिपोर्ट में आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिफिनेशन के बारे में नहीं बात की गई है और इसी कमीशन के बाद से ही आप देखोगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक परिभाषा जो है हमारे सामने देखने को मिली है जिसमें की बात की गई आप सबको पता होगा कि हमें प्रेजेंट की जो अपनी नीड्स है उसको तो सेटिस्फाई करना ही है लेकिन नॉट एट कॉस्ट ऑफ सेक्रीफाइजिंग और कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन ना इसके बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा तो पहली बार ब्रूंटलैंड कमीशन में ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन डेफिनेशन एक एक प्रॉपर जो है है वो दी गई थी कमीशन सस... दोस्तों आप देखोगे तो एक है जिसमें कि ये बताया गया है कि कैसे बैलेंस जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच में हमें बनाना है और हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करनी है और साथ ही साथ एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है तो फर्स्ट एवर रिपोर्ट और फर्स्ट एवर कमीशन जिसमें कि आप देखोगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट की भी बात की गई है साथ ही साथ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन की भी बात की गई है ब्रोडलैंड कमीशन वो ऐसा पहला रिपोर्ट है ठीक है चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबको बता दूं कि अगर आपको हमारा एक्सक्लूसिव कंटेंट चाहिए तो आप मेरा कोड आरपी टेन यूज कर सकते हो साथ ही आपको फ्लैट थर्टी का ऑफ भी इस इसपे मिलेगा ठीक है इसके साथ ही दोस्तों एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी आप सब के लिए अनअकैडमी की तरफ से हम लेकर के आ रहे हैं जिसमें कि आप देखोगे कि हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में एक एक्सक्लूसिव फ्री वर्कशॉप आप सब के लिए कंडक्ट कराया जा रहा है जो कि आप देखोगे कि जनवरी चौदह को ये वर्कशॉप हमारे करोल बाग के ऑफलाइन सेंटर में होने वाली है टाइम है 3 बजे से लेकर के 5 बजे तक आप देखोगे कि हमारे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स यहाँ पे देखने को मिल रहे होंगे इनके द्वारा आपको गाइड किया जाएगा वहाँ पे उस वर्कशॉप में ठीक है डिस्कशन जो है वो भी वहाँ पे उनके द्वारा की जाएगी जिसमें की बात की जा रही है हाउ टू बिकम एन आई ऑफिसर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट तो इस क्वेश्चन पे दोस्तों वहाँ पे एक प्रॉपर डिस्कशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे एक स्कैनर दिया गया है इसको स्कैन कर लीजिए जिससे कि आप अपने आप को एनरोल करवा सकते हैं इस वर्कशॉप के लिए साथ ही अगर आप प्रयागराज से हैं दोस्तों तो हमारे ऑफलाइन सेंटर में एडमिशन वहाँ पे ऑलरेडी हो चुके हैं ओपन अलग अलग यहाँ पे आपको कोर्सेज देखने को मिल रहा होगा वीडियो को पॉज करिए कोर्स पूरा अच्छे से देखिए प्राइस भी देख लिये साथ ही आपको फ्लैट फ्लैट फोर्टी परसेंट का ऑफ जो है वो लगा करके आपको दिया जा रहा है अगर आपको ये अवेल करना है तो आप मेरा कोड आरपी टेन यूज कर सकते हो जिससे कि आपको फ्लैट फोर्टी परसेंट जो फ्लैट फोर्टी परसेंट लगा करके आपको कोर्स है वो मिल जाएगा हमारी बैचेस प्रयागराज में जनवरी चार से हो रही हैं स्टार्ट ऑफर वैलिड है दोस्तों चौदह जनवरी तक खुद को जल्द से जल्द एनरोल करवा लीजिए नंबर दिया है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं घर बैठे बैठे अगर आपको क्वेरीज अब अप, अपनी एड्रेस करवानी है तो हमारे आप सबके लिए दोस्तों हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक काउंसलिंग फॉर्म का लिंक है उस काउंसलिंग फॉर्म के लिंक को भर दीजिए और आपकी सारी जो क्वेरीज हैं एड्रेस कर दी जाएंगी जो भरना है आप सबके लिए एक बेनिफिट है ठीक है एक क्या कई सारे बेनिफिट्स है जिसको कि हम अपने वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे ठीक है इस वजह से बने रहिए वीडियो के एंड तक साथ ही मुखर्जी नगर और हमारे जो करोल बाग है वहाँ के ऑफलाइन सेंटर्स में भी आपको थर्टी फाइव परसेंट का ऑफ जो है वो लगा करके दिया जा रहा है जनवरी तीस से मुखर्जी नगर में क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं और जनवरी सत्ताईस से हमारे करोल बाग में यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरे जो कोर्सेज हैं अच्छे से देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके ऑफर अवेल करना है तो आपको पता है आप मेरा कोड आर पी टेन यूज करिए और साथ ही काउंसलिंग फॉर्म तो जरूर से जरूर भर दीजिए ठीक है चलिए वापस से चलते हैं अब हम पे. में, दोस्तों, आप देखोगे एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, है जिसमें की बात किया जा रहा है कि एनवायरमेंट ठीक है और डेवलपमेंट इनसेपरेबल है ठीक है इसको सेपरेट नहीं किया जा सकता है इसके लिए ही एक कोट यहाँ पे आपके सामने मौजूद है जिसको कि हम अब पढ़ करके समझने वाले हैं ठीक है ठीके? इन्वायरमेंट इज वेयर वी लीव इनवाट वॉट वी डू डेवलपमेंट हम जो करते हैं इज अटेम्पटिंग टू इम्प्रूव आवर लॉट विद इन दैट अबोटू आर इनसेपरेबल ठीक है इन्वायरमेंट जहां हम रहते हैं डेवलपमेंट जहाँ हम काम करते हैं ठीक है जिसको कि हम अटेम्प्ट करते हैं कि हम इम्प्रूव करें ठीक है so, तो ये दोनों इनसेपरेबल है इसको आप सेपरेट ही नहीं कर सकते तो एक बहुत ही बढ़िया जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट और थॉट देख रहे हो आप रूटलैंड कमीशन में हमें देखने को मिल रही है जिसको कि जब आप चीजें पढ़ते हो तभी जाकर के आपको ये अच्छी अच्छी जो बातें हैं उनकी समझ में आती हैं ब्रूटलैंड रिपोर्ट में आप देखोगे सस्टेनेबल तो डेवलपमेंट की परिभाषा ही उसमें बदल दी गई है ठीक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पहले तो डिफाइन नहीं की गई थी लेकिन जब डिफाइन की गई तो दोस्तों आप देखोगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या चीज है इसके बारे में वहां पे इतने बढ़िया तरीके से समझाया गया है सिर्फ ना ही प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कि जो प्रेजेंट जनरेशन है वो अपने नीड सेटिस्फाई करे ना कि कॉम्प्रोमाइज करते हुए फ्यूचर जनरेशन की सिर्फ इसके ही बारे में नहीं और भी कई सारी चीजों से रिलेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को समझाया गया है बात की जा रही है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है फ्रॉम अ फिजिकल नोशन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल यील्ड इन द फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज जिसमें कि पहले की अगर हम बात करें तो ज्यादा सर ज़्यादा से ज्यादा आप देख देखते होंगे जो भी लॉज वगैरह होते थे रेगुलेशन होते थे वो फिशरीज के ऊपर होते थे है ना फॉरेस्ट्री के ऊपर होते थे या कभी भी इकोनॉमिक के बारे में बात की गई या कभी भी पॉल्यूशन के बारे में बात की गई तो ऐसा कभी नहीं होता था सस्टेनेबल डेवलपमेंट जब आया दोस्तों तो आप देखोगे कि मच ब्रॉडर कॉन्सेप्ट लेकर के ये आया है अपने साथ जिसमें कि आप देखोगे कि इकोनॉमिक को लिंक किया गया है एंड इकोलॉजिकल पॉलिसीज इन द इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क जो हमारा फ्रेमवर्क है इंटीग्रेटेड so फ्रेमवर्क में आप दोस्तों दे, देखोगे कि इंटीग्रेट इन द सेंस जो आप देखोगे कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट दोनों को इंटीग्रेट किया हुआ है उस इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क में आप देखोगे कि इकोनॉमी इकोलॉजिकल पॉलिसीज इनके बारे में भी बात की गई है दैट मीन्स कि यू कैन अंडरस्टैंड वट लेवल ऑफ वट डिग्री ऑफ द कॉन्सेप्ट यहाँ पे उन्होंने बताने की कोशिश की है ग्रूंट लैंड रिपोर्ट में एंड आई थिंक कि आप सबको ये जो इंटरनेशनल कन्वेंशन है ना एक बार तो इनके डिकलेशन या फिर जो रिपोर्ट्स हैं उनको गो थ्रू जरूर करना चाहिए एज अस सी एस्परेंट पढ़िए इसको लेकिन जब आपके फ्री टाइम हो तब पढ़िए ठीक है तो बहुत ही ज़्यादा जरूरी है साथ ही दोस्तों अब कुछ सजेशन के भी बारे में हम बात कर लेते हैं कि जब ये ग्रून प्लांट कमीशन आया उसके बाद जो सजेशंस उसमें दिए गए कि क्या क्या हमें एन्वायरमेंट जो है और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जो हम डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं और जो एन्वायरमेंट प्रोटेक्शन की बात करें उनसे रिलेटेड कई सारे सजेशंस दिए गए हैं जिसमें की बात की जा रही है कि टू प्रपोज लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल स्ट्रेटेजीज अचीविंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म जो एन्वायरमेंटल स्ट्रेटेजीज हैं हमको वो बनानी चाहिए जिससे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकें टू रिकमेंड वेज रिकमेंड करें आप अलग अलग तरीके कंसर्न फॉर द इन्वायरमेंट मे बी ट्रांसलेटेड इन टू ग्रेटर कोऑपोरेशन जिसमें कि यहाँ पे बात की जा रही है इन द कॉन्टेक्सट ऑफ डेवलप्ड डेवलपिंग अंडर डेवलपिंग कंट्रीज एज़ पर देयर इकोनॉमीज की उन उनकी जितनी भी इकोनॉमीज हो ठीक है जितनी भी इकोनॉमिक कंडीशन हो उनको नजर रखते हुए जो भी इन्वायरमेंटल कंसर्न्स हैं उनको एक तरीके से कोऑपरेशन जो है उसमें कन्वर्ट किया जाए ठीक है और अलग अलग तरीके के जो रिकमेंडेशन है उस पर ध्यान दिया जाए और किस तरीके से हम जो अचीव कर पाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट अलॉन्ग विद द प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट ठीक है लीड टू अचीवमेंट ऑफ अ कॉमन एंड म्यूचुअली सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव हमारा क्या होना चाहिए हम हम लीड करें अचीवमेंट ऑफ कॉमन ठीक है और साथ ही म्यूचुअली सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव भी अपना होना चाहिए ठीक है ये कि नहीं आप इंडिविजुअल पे काम कर रहे हो आप इंडिविजुअल पे काम कर रहे हो इससे फिर कोई और किसी तरीके का काम करे कोई और किसी तरीके का काम करे ग्लोबल लेवल पे आप कैसे कर पाओगे है ना जब आप एक साथ एक साथ एकजुट होकर के आओगे तभी तो आप ग्लोबल लेवल पे कुछ कर पाओगे तो जो अचीवमेंट है वो एक तरीके से बोल रहा है लीड टू कॉमन अचीवमेंट कॉमन अचीवमेंट होना चाहिए एंड म्यूचुअली सपोर्टिव ऑब्जेक्टिव होना चाहिए रेजिंग द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड कमिटमेंट ऑन द पार्ट ऑफ इंडिविजुअल बिजनेस इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट ठीक है यहाँ पे ये भी बात की जा रही है कि जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो रेस किया जा रहा है इंडिविजुअल भी इंडिविजुअल है उनके पार्ट पे भी कमिटमेंट होना चाहिए बिजनेस इंस्टीट्यूट एंड गवर्नमेंट जो है उनके पार्ट पे भी कमिटमेंट जो है वो होना चाहिए ठीक है ये नहीं कि एक ही इंसान लगा पड़ा है और बाकी किसी को फिक्र ही नहीं है तो ऐसे नहीं काम चलेगा इंडिविजुअल के पार्ट पे भी कमिटमेंट बिजनेस इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट जो तो कंट्री में जितने भी लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बनता है देयर टूअर्ड्स देयर एनवायरमेंट एंड हाउ देयर विल बी डेवलपमेंट ऑफ देयर कंट्री ठीक है तो इन सारी चीजों पे यहाँ पे भी डिस्कशन की गई है लॉन्ग टर्म एनवायरमेंटल जो इश्यूज हैं उसको एड्रेस किया जाए अप्रोप्रिएट एफर्ट जो है वो लगाया जाए कि किस तरीके से हम डील कर सके सक्सेसफुल एनवायरमेंटल इश्यूज को विद द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड एनहांसिंग द दिनमेंट अलॉन्ग एजेंडा जो है दोस्तों एक्शन को लेने के लिए हमें वो बनाना चाहिए एस्पिरेशनल गोल जो है दोस्तों वो वर्ल्ड कम्युनिटी की होनी चाहिए टू अचीव दीज एंड्स कमीशन हैज मेनली फोकस्ड ऑन पॉपुलेशन फूड सिक्योरिटी लॉस ऑफ स्पीशीज एंड जेनेटिक रिसोर्सेज एनर्जी इंडस्ट्री ह्यूमन सेटलमेंट तो इन गोल्स को अचीव करने के लिए आप देखोगे कमीशन के द्वारा कई सारे एस्पेक्ट्स में बात की गई है चाहे वो पॉपुलेशन से लेकर के ह्यूमन सेटलमेंट्स तक उन्होंने पूरी बात की है इस रिपोर्ट में तो आई होप कि आपको इस रिपोर्ट और इस कमीशन के बारे में पता चल चुका होगा समझ में आ चुका होगा कि आखिरकार ये जो रिपोर्ट है कमीशन है किस चीज की बात कर रही है और आपको ये जो सब्जेक्ट मैटर है वो भी समझ में आ चुका होगा ठीक है चलिए अब दोस्तों मैं आप सबको बता दू हमारी जो सी सेट क्रैश कोर्स है वो आप सबके लिए लेकर के हम आ, आ चुके हैं फ्रिलिम के क्रैश कोर्स के लिए भी लेकर के हम आपके लिए आए हुए हैं जिसमें कि आप देखोगे कि जनवरी 29 2024 से क्रैश कोर्स सीसेट का स्टार्ट हो रहा है हमारे करोल बाग के मुखर्जी हमारे करोल बाग के न्यू दिल्ली में वहीं पे आप देखोगे कि जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है वो 22 जनवरी 2024 से स्टार्ट हो रहा है प्रीलिम्स के क्रैश कोर्स के लिए कोर्स प्राइस रखा गया है 25000 और सीसेट के 20000 रखा गया है इसमें आप एनरोल भी खुद को करवा सकते हो अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से करने के लिए ठीक है वेरी इंपॉर्टेंट जल्द से जल्द एनरोल करवा लें चलिए अब मैं आप सबको दोस्तों बेनिफिट बता देती हूँ कि अगर आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल गेट अ फ्री डेमो क्लास फ्री डेमो क्लास जो कि नहीं मिलती है आजकल आपको आपको एक फ्री डेमो क्लास भी दी जाएगी ऑफलाइन करेंट अफेयर क्लासेस वन ऑन वन मेंटोरशिप एडुकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन री और वाईफाई सब आपको वहां पे ऑफलाइन के सेंटर में प्रोवाइड की जाएगी तो खुद को एनरोल करवा लीजिए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें शेयर करें कमेंट करें आप अपने व्यूज शेयर करें हमारे साथ साथ ही साथ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं आप सबके लिए इसके बाद एक छोटी सी वीडियो इस वीडियो को जरूर से देख लें हमारे ऑफलाइन सेंटर की वीडियो है ठीक है चलिए बाय मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में